शताब्दियों से कोयले की खदानें निजी हाथों में थी। ये बाहुबली सिर्फ इन खदानों के ही नहीं, इनमें काम करने वाले मजदूरों की जिंदगियों के मालिक भी थे। आजादी के 26 साल बाद खदानों की अवैज्ञानिक खुदाई, मजदूरों की बदहाली और जरूरत से ज्यादा दोहन को वजह बताकर सरकार ने कोल माइंस एक्ट बनाकर 1 मई 1973 को सारी खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और खदानों की नई मालिक बन गई। लेकिन असली मालिक काले हीरे की संपदा और उस पर अपनी सत्ता खोने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, लिहाजा अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए उन्होंने नए नए रास्ते और तरीके ढूंढे और इस तरह वजूद में आया इंडिया के इतिहास का सबसे कुख्यात माफिया, कोल माफिया। इस देश में एक ही माफिया है, वो है सरकार, और हम वो हैं जो कोयलांचल को सरकारी माफिया से सुरक्षा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोयलांचल है। यहाँ आँख खोल कर चलिएगा तो कोयला अंदर जाता है और बंद कीजिएगा तो बाहर, तभी ना सरकारी लेबर सरकारी कोयला उठाने से पहले हमरा परमिशन मांगता है। सालों तक क्या रहा टुकुर टुकुर, ये डिलीवरी ऑर्डर है, समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी गवर्नमेंट का पेपर हमारे कोई काम का नहीं, तुम्हारी डीओ हमारे सरकार से मिलती है, तुम्हारे सरकार से नहीं, समझे? आप दिल्ली से कोयले का डिलीवरी ऑर्डर पास करके बोल देते हैं, जाइए और अपने ट्रक में भरकर कोयला ले जाइए कोयलांचल से। ये सारा कहाँ का सोशल जस्टिस है? कोयलांचल का पुअर और बैकवर्ड लोग हमारे जरिए इसका विरोध करता है। अपना कोयला अपने ट्रक में क्यों नहीं ले जा सकते? कौन कह रहा है कि नहीं ले जा सकते? ले जाइए, बस पुअर और बैकवर्ड का जो मैन पावर का डिफरेंस आएगा उसको भर दीजिएगा। ललन, हाँ भैया, डिफरेंस का पर्ची बना दे साहब का। जी भैया, हमारी तरफ क्या देख रहे हैं साहब, ड्यूटी हमारी नहीं है उधर, समझ? यहाँ जिसकी ड्यूटी उसे मेरी बात करा, यहाँ इसकी ड्यूटी चलती है साहब, बात कीजिएगा, मगर ध्यान रखिएगा कि जब बोलता है तो फाइनल बोलता है, एकदम फाइनल। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से लेकर माओवादी तक प्रोटेक्शन हम देते हैं, तभी ना कांटा घर के सरकारी बाबू से लेकर चेक पोस्ट पर खड़ा सिपाही तक हमारी ड्यूटी करता है। ए कांटा बाबू, थोड़ी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे पेपर जल्दी बनवा दोगे तो, क्योंकि दिन के उजाले में निकलूंगा तो रात की चौकियों से बच जाऊंगा। सब साला दिन में ही निकलोगे तो रात की ड्यूटी वाला भूखा मरेगा क्या? इधर कांटा, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेती है, वो तो बड़ा बाबू चेक करके बताएंगे, बहुत कुछ देखना पड़ता है इधर कांटा के अलावा, मालिकों को भी जवाब हम ही को देना पड़ता है, तुमको नहीं। चलो गाड़ी को सील करो और आगे बढ़ाओ। कोयलांचल को हमसे मुक्त कराने के लिए अब आए दिन सरकार यहाँ के कलेक्टरों के तबादले करते रहते हैं, इन बचकाने चुटकुलों पर अब तो हंसी भी नहीं आती। नया तहसीलदार आया राजापुर में। अरे कितने आए और कितने गए, तहसील ऑफिस में जाकर के इनका नाम गिनाने जाओ तो सुबह से शाम हो जाएगी, देखना कल इनका भी नाम छपेगा। कहते हैं थोड़ा गांधी टाइप का है, विदेश से ट्रेनिंग लेके आया। अरे सही है भैया, बहुत मार लिया अपने देश वालों की, अब तो विदेश वालों को भी थोड़ी फकिंगवा होनी चाहिए। दुनिया चल रही है क्योंकि लोग मानते हैं कि ईश्वर है, कोयलांचल चल रहा है क्योंकि लोग जानते हैं मालिक है सरयू भान सिंह है। मालिक बेचैन लग रहा है सुबह से, बजरंगी कृपा करे मालिक को ऊपर से कुछ अंदेशा मिल रहा है। तुम नहीं थे तब राजीव गांधी मरे थे, उस दिन भी मालिक ऐसे ही बेचैन थे, बहुत बेचैन थे।
अरे करुआ नहीं है ना राजापुर में, बस यही वजह है, मालिक तो उसके बिना अकेले। क्या है साधु? कुछ नहीं मालिक, वो पहलवानों को जरा और तैनात रहने के लिए कह रहे थे। मैनेजर बाबू क्यों नहीं आए अभी तक? मालिक बस पहुंचते ही होंगे, गाड़ी भेज दें स्टेशन। अरे एक जमाना था, इधर से गाड़ी तभी गुजरती थी जब मालिक लोग आया करते थे, लेकिन आज साला आज तो सब मालिक बना बैठा, हर कोई सिवाय मजदूर के। ए भाई चाय पिला। लगता है मैनेजर बाबू आ गए। मैनेजर बाबू साला 35 साल हो गए सरकार को मालिक और तहसीलदार को मैनेजर बने हुए, पर साला तुम लोगों का मेंटेलिटी नहीं बदला। फकिंग बाप सरकारी अफसरों का नहीं, तुम लोगों का हो रहा है। कोयला वन चलवा लो, वो भी तुम्हारी जेल पना के वजह से, समझे मैनेजर बाबू। ए घोष बाबू, ये सब चर्चा कर, हमारी दुकान में नो वैकेंसी प्लीज। हमारे दूध से पहले किसी का खून खोल गया तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या तुम्हारा भाषण? वतन की फिक्र कर नौदान, मुसीबत आने वाला है, बर्बादियों का मसवारा है आसमान पर। नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, फिर तुम्हारी दास्तान तक भी नहीं रहेगी दास्तानों में। शुरुआत सर्यभान सिंह के विनाश की। जागो कोयलांचल वालों, यही वक्त है कलेक्टर के सामने अपनी आवाज बुलंद करने का। उधर रानीगंज में विद्रोही जी ने मालिकों से अपना अलग यूनियन बनाया है, हम भी बनाएंगे, क्रांति ऐसे ही आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ऐ तुम चलो पीछे हटो, चुपचाप खड़े रहना, जिसको बुलाऊंगा वही आना। कितना केसेस है? ज्यादा नहीं है, 2 घंटा में निपटा देंगे। अच्छा रेट थोड़ा रिवाइज हुआ है, घनश्यामा बता देगा, समझा? और हमसे कोई उज्जत नहीं करेगा, गए मैंने तो रिवाइज हुआ था। कौन बोला रे? कौन बोला?
आज साला सब कीड़ा मकोड़ा का पंख निकला है। उन्हें बगैर किसी लिहाज फिकर डर के बताओ कि सरयू भान सिंह का कोठी चार्ट लाश देख कर देने वाला नहीं है। वही तैनात रहो, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। मजदूर में मजदूर, हालत से मजबूर। चाचा डिस्टरबेंस का माहौल बन रहा है। चाचा मजदूर में मजदूर, इन घुसवा को माइक पकड़ने की क्या जरूरत थी? चाचा लगता नहीं कोठी जिंदा पार होगी, अब क्या करें? चल बाबू। हाँ चल चल। वो साला अंदर बम्बा फेंकेगा तभी कार्रवाई करेंगे। साला तुम लोगों के बस का कुछ भी नहीं है। झा बाबू उठवाइए, बॉडी भेजिए यहां से। सर ये दो देसी बम और ये कट्टा बरामद हुआ है इनके पास से। लेकिन मुझे खबर मिली वो दोनों उस पेड़ पे थे जब गोली चली। होगा सर, इन खुराफातियों का क्या भरोसा सर? मतलब गोली इन दोनों को उस पेड़ पे लगी और वो आके गिरे कोठी के अंदर। झा ये साले माओवादी है सर, इनको गोली चीन में पड़ता है, यहां आके मरता है साला इंडिया में। आप ये दो फीट दूर पेड़ की बात कर रहे हैं सर, ये लोग कहीं भी मारता है, कहीं भी मर जाता है। मालिक, मैनेजर बाबू आ गए हैं। के नए कलेक्टर ऐसे वक्त पर आए हैं कि चाय पानी भी नहीं पूछ सकते। जी वैसे आपसे पूछने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ था, अफसोस। खैर कभी और सही।
जिंदगी भर हल्का रहा, मरकर बोझ बन गया। दोस्ती दुश्मनी से भारी पड़े है ना साल। करवा को बुलाए लेते मालिक, बहुत चुप्पी साधे है, लेकिन सालों को भनक लग गई है उसके यहां ना होने की। इतना चिड़िया एक बहेलिया, राजापुर का खेत तो चुक गया साधु, अब रानीगंज के विद्रोही पर नकेल कसना ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सारी आंधी उसी ने बुलाई है, उसी ने बुलाई है। बाबू साहेब पंडित जी यादव जी, पहले तो हम रउआ सबके प्रणाम करा पहानी। अब तनी नजरिया फेर के देख लिए काका जी, चश्मा उठा के देख ली है ताजा बाजवानी। जाऊं कैसे जाऊं कैसे झरिया, हाथ में फसल पड़ा। जाऊं कैसे जाऊं कैसे झरिया, आफत में फंसा न परान रे। छुए रे छुए रे छुए सभा गलिया, नियत के सभा बहिमान रे। पास आके बोले तू हा हा हा, पास आके बोले तू समानिए वन। जो बना पताने आय हाय हाय, जो बना पताने एक फोटी से बन। जो बना पताने एक फोटी से बन, जो बना पताने एक फोटी से बन। जो बना पताने एक फोटी से बन, जो बना पताने एक फोटी से बन। हाँ साहब, 10 रुपए का पुरस्कार इरशाद टेलर दिल्ली रिटर्न धनबाद रोड। भाई पैसा राउंड फिगर में दिया करो, काउंटिंग में टाइम जाता है। ये है राम अवतार हलवाई पुरानी पुलिया। ये रानीगंज कोयला में खेतवाड़ी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। डॉक्टर इंजीनियर बिल्डर सबके हम ही डार्लिंग, फोन करके बोले हमको डेली गुड मॉर्निंग। बड़े बड़े नेता से भी हमारा कनेक्शन, हमारा परिगोराम से ही जीते वो इलेक्शन। केहू के सुई हमके करे नारी एक सौ, एगो दूगो सुई नहीं हाय हाय हाय, एगो दूगो सुई नहीं लेती हूँ बन। जो बना पताने एक फोटी से बन, 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 जो बना पताने एक फोटी से बन। शांत हो जाइए, छोटा सा अल्पविराम लेने होगा। हमारा सौभाग्य है कि कोयलांचल के मसीहा गोवर्धन दास विद्रोही जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम रानीगंज की जनता से अनुरोध करेंगे कि इस वीर योद्धा का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। घबराइए नहीं, मैं आपके रंग में भंग नहीं डालूंगा। पाकिस्तानी शायर अहमद फराज की 4 पंक्तियों में अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे दुश्मन ने ये सोचा ही नहीं था शायद, ये दिया बादे फना, बादे फना यानी मौत की आंधी, ये दिया बादे फना से भी भड़क सकता है। उसे कुवत पे तकब्बुर यानी घमंड, उसे कुवत पे तकब्बुर है, मुझको यकीन
दस्ते हक बाजुए कातिल को झटक सकता है। मेरे जल्लाद को ये मालूम ही नहीं है शायद ये दिल दस्ते अजल में भी धड़क सकता है। कुछ और बातियां हैं ये फंस गया हो भेड़ियों के झुंड में कोई हिरन फंस गया हो। प्रोग्राम फिनिश हो गया बाबू। कोई हिरन अपने बाप को देखे नहीं पड़ता पत्थर उछ। चलिए निकलिए वहां से है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए जिस तरह से भी हो सब बदलना चाहिए। रे कहां जाता है करुआ सरयू बांध का सबसे खूंखार कुत्ता बड़ा सम्मान किए जो तुमको भेजे हमारे वास्ते। श्रमिकों की आवाज दबाई जा सकती है मारी नहीं। विद्रोही को मारकर तुम्हारा मालिक विद्रोह को दबा नहीं सकता। पता न था अंदर चुंगी दफ्तर का बाबू है। रुक आती हूँ बाबू अभी आई। करुआ करुआ रुकना ना रे मेरी गोटिया रानी ना ये ले उसका ख्याल मत कर वो भी तेरे जैसा भगवान का मारा है। हेलो कैसी हो? बढ़िया। आप सुनाइए क्या खबर है? खबर तुम सुनना नहीं चाहोगे। कब निकल रही हो? सैटरडे। सैटरडे? कल क्यों नहीं? अभी निमेश के दो ड्रॉप्स बाकी हैं और मम्मा कह रही हैं पूरा कोर्स करवा के निकलो। बेटर बेटर बेटर। हाँ अच्छा सुनो अब वहाँ हॉस्पिटल तो है ना ठीक ठाक? बीमारियां तो बहुत हैं तो अस्पताल तो होंगे ही। ठीक है फोन करना। ओके या बाय बाय बाय। झारखंड के राजापुर कोलियारी क्षेत्र में कल हुई भीषण नरसंहार से पूरे कोयलांचल में तनाव का माहौल है।
कोयलांचल के बाहुबली सरयूभान सिंह का निवास स्थान होने के कारण राजापुर के मजदूरों और माओवादियों के इस हमले को जानकार लोग सीधे सीधे कोयलांचल में उनके वर्चस्व को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। कभी नरसंहार में सरयूभान सिंह के करीबी और उनके पूर्व मैनेजर बाबूलाल यादव के अलावा SHO साहब कहाँ हैं? SHO साहब अभी नहीं आए सर, वो थोड़ा विलंब से ही आते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ कल, आपके साहब को नींद कैसे आता है? उनको बोलना मैं आया था। जी सर। चलो। कल जो हुआ उसको हादसा बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे जो कल होगा, हादसा का बादशाह। हाँ तो क्या कह रहे थे कप्तान साहब? कह रहा था कि भूषण समताली का काम है। रांची से सूटर लोगों को बुला के उनके साथ मिल के ये वारदात किया है साला सुअर लोग। हमको अंदेशा था भूषण वहीं होगा, हमसे सीखा पैतरा हम ही पे चला रहा है, बड़ा लीरवा हो गया दलित का। अरे मुन्ना, कत्ल का इल्जाम बंदूक पर नहीं गोली चलाने वाले पर जाता है। भूषण अगर बंदूक है तो चलाने वाला कौन? अब ऐसा तो खेल मालिक बहुत ऊपर का है, आपके मतलब का जितना था हम उतना ही बोले। हमारा मतलब हम देखते हैं, सिर्फ हम। आप जिस कानून की रक्षा की कसम खाकर यहां आए हैं उसका क्रियाक्रम का खर्चा हम उठाए हैं। क्या सोचे, बगैर किसी मतलब के? मालिक, दरभंगा के नसरू को तो जानते हैं ना आप? वो तो जेल में है साल भर से। जेल में तो साला तुम भी है ऑफिसियली बुड़बक। मालिक, गए साल नसरुआ बहुत पैसा खर्चा किए रहा लखनऊ पटना और रांची में। इस बार लोगों का यह मानना है कि इलेक्शन में उसका टिकट पक्का। माइनॉरिटी के अलावा दलित वोट पर भी नजर है उसका। अब इस चक्कर में उसका गुंडा लोग भूसनवा के आदमी को सपोर्ट करता है। अब ऐसा लोगों के पास पैसा आ जाए तो कैसा चर्बी चढ़ता है मालिक, ये तो आप जानते हैं। रही बात वो मजदूर लीडर घोसवा का, उसको तो आप जब कहें तब घोसते हैं साले को। सब काम आप ही कीजिएगा तो वर्कलोड से दब जाइएगा, और फिर ईश्वर है ना सबके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला। बचवा, हमारा भी आराधना का समय हो गया है, जाओ खेलो कूदो। जय हनुमान की अंग जाकर, जय कपीश देव जाकर, राम दूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम चरण की बाबू तो घर पे नहीं है। तुम लोग अगर हिम्मत करोगे तो बाकी कोयला अंचल के सारे यूनियन भी हमारे साथ आएगा। वो काटा घर इनका, सारे डीओ का कालोबाजारी इनका, अभी यूनियन भी इनका, ये उनका बाबा का राज है क्या? ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा उन लोगों को।
कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा साथ सब लोग हैं, हमारे साथ में भी काफी लोग हैं। हम में उतना दम है कि हम उन लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। आइए। लाल सलाम। एक नसरू या सब। सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र जी की जय। क्षमा करना बजरंगी, क्षमा करना। पीपल ऑफ महाराष्ट्र इन एसोसिएशन विद पीपल ऑफ बिहार प्रेजेंट इंटरनेशनल वर्ल्ड वेलकम टू द वेरी फनीस्ट प्लेस ऑन अर्थ कॉल्ड झरिया। दिस इज बोका पहाड़ी विलेज इन माई बैग। यू कैन सी द स्मोक कमिंग फ्रॉम द अंडर बिकॉज होल झरिया इज बर्निंग सिंस 1914। Still living? That's why it is funny. Please, listen to the modern music of Jharia. This is called Khasi music because everyone here has asthma and lung disease due to smoke and coal dust. This beautiful girl name is Kalpana. I asked her 5 months before. लगता है तुझे ऐश्वर्या राय बनने का है। नहीं, मुझको कल्पना चावला बनने का है। वाह, शाबाश। She want to become a Kalpana Chawla. Lady, space pilot, but
कल्पना चावला डाई ऑन स्पेस दिस कल्पना गेट बरी अंडर हियर ट्रस्ट मी हियर वाज हर हाउस व्हेन अर्थ क्रैक शी गेट बरी अंडर हियर जया इज अ वेरी फनीस्ट प्लेस इट कीप्स हर पीपल ग्राउंडेड हियर अर्थ क्रैक सडनली बिकॉज पीपल टेक कोल फ्रॉम अंडर एंड डोंट फील द होलो गैप They are happy with money. For life of 4 lakh poor people of Jharia. Government want to ship these people, but they say. हम सब सब ठीक है, हमको कोई खतरा नहीं है. सरकार हमको भगाना चाहता है, हमको भगा के यहीं पर वो राज करना चाहता है. हम अपना जमीन नहीं छोड़ेगा दिस इज ओनली टेलर फॉर फुल फिल्म इन अ रीजनेबल प्राइस प्लीज कॉन्टेक्ट शर्मा मैरिज वीडियो एंड स्टील फोटोग्राफर पुराना बस अड्डा सिंदरी फोन नंबर 243451 रिमेम्बर इट इज अ फुलबक भंसाली प्रेजेंटेशन ये बुड़बक बंसाली कौन है? हम ही हैं साहब। हम दिल दे चुके सनम का भोजपुरी रीमेक बनाने में हम बर्बाद हो गए साहब। कब से लोगों ने मुझे ये नाम दे दिया? हम आर्टिस्ट लोग हैं साहब। हमें फेमस होने से मतलब है। कौनो नाम से हो जाए? लेकिन ये मुद्दा बहुत सीरियस है तो फिर हम बिहारियों और झारखंडियों को अब इस दुनिया में कोई सीरियसली नहीं लेता है साहब। हमरा गाना हमरा खाना हमरी फिल्म हम पर जुलूम हमरी जिंदगी हमरी मौत सब इंटरनेशनल नेशनल जोक बन के रह गया है साहब एक नेता ने पूरे प्रदेश को जोकर का छवि दे दिया है साहब पैसा लगा है ना रिकवर भी करना है फिल्म का बीच बीच में आदिवासी औरतों का डांस भी डाल दिया हूँ बगैर चोली अंगिया के नाच रही है जलती जमीन पे उसके चक्कर में सेल थोड़ा और बढ़ गया सर कभी समय निकालिए ना सर हम आपको पूरा फिल्म दिखाना चाहते हैं नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं आप जो फिल्म के द्वारा कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह समझता हूँ मैं भी इसी मुद्दे पर काम कर रहा हूँ साहब आपको फिल्म दिखाने के पीछे मेरा मंशा ये था आप तो समझिए गए होंगे कि इंटरनेशनल वर्ल्ड को ध्यान में रख के हम ये फिल्म बनाए हैं ऑस्कर अवार्ड का तमन्ना था साहब ओह गुड गुड अगर आपको अच्छा लगे तो दिल्ली तक रिकमेंडेड कर दीजिए ना सर जी एक बार देश में नहीं तो विदेश में कुछ सम्मान मिल जाए एक बार टाइम निकालिए सर फिल्म देखने के लिए जी जरूर अच्छा नमस्कार नमस्कार अच्छा ये जो बच्ची है कल्पना मेरी बेटी थी वहां मेरा घर था सोचिए साहब उस जगह पर खड़े होकर हंसना कितना मुश्किल होता है I'm sorry. अच्छा साहब नमस्कार माइंड फीलिंग स्कैम की फाइल ले आओ यस सर और वो सरयुवान सिंह से मीटिंग फिक्स करा आज अभी ओके सर आइए खुले मैदान में बातें करते हैं अरे ये कोई जगह नहीं जिला का कलेक्टर और इस क्षेत्र का पूर्व अधिपति के मिलने की घबरा रहे हैं आप अरे इस खान की भराई तो आपके कंपनी ने ही की है अच्छे से रेता तो डाला ही होगा ना तो फिर कहां है का डर
आइए आइए, गाड़ी में बैठिए। चलिए जैसी आपकी इच्छा है सरयूबान जी। करवा बेटा, तू साहब की गाड़ी में पीछे आ जा। आप यहां नए नए आए हैं, बहुत कुछ जानना चाहते होंगे मेरे बारे में। बहुत सुने हैं हम आपके बारे में। इन खानों में से जो आप कोयला निकालते हो उसकी प्रॉपर भराई जरूरी है ना? जरूरी है, बहुत जरूरी है। और भराई के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप ही के कंपनी को मिलते हैं ना? साहब, हमसे ज्यादा कौन जाने कोयला अंचल को। जी, इसलिए जहां 200 ट्रक रेत की भराई होनी चाहिए, आप 100 ट्रक रेत भी नहीं भरते। आपको एहसास है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है आम जनजीवन और यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए? समझ जाइएगा, सब समझ जाएंगे। कांटा घर लो। सरयूबान जी, बंद खान नंबर 34/14 में आपने रेत के 210 ट्रक दिखाए। इसमें एक ट्रक खास करके 32/22 24 घंटे में 16 ट्रिप्स मारे। अगर गंगा घाट से भी रेत लाया जाए तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं एक ट्रक के लिए। लोडिंग अनलोडिंग का टाइम अलग। अरे, लिखत पढ़त में मिस्टेक हो गया होगा, बैठ के सुधार लेंगे। वो कहा है कि पढ़े लिखे लोग यहां से चला गया दिल्ली, बंबई, अमेरिका। अब जो बचा है उनसे मिस्टेक होता है, क्या करें। जी सरयूबान जी, यही मिस्टेक्स की वजह से पढ़े लिखे लोग यहां रुकते नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को अपने घर का कुत्ता समझने की मिस्टेक। This place is an ecological disaster, a human disaster. Do you understand? कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हमरा मतलब है होम टाउन। समस्तीपुर। समस्तीपुर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब एक बिहारी बछुए के मुंह से इतना फाइन इंग्लिश सुनने को मिलता है। फकर होता है, फकर। जी। मालिक, मालिक चौपाल चाहिए मालिक, मालिक बड़ी गलती हो गई जाने में हमसे। मालिक आप जो सजाते हो मंजूर, बस एक बार माफ कर दीजिए मालिक। 3 दिन से साला सब का सब बीमारी का छुट्टी पर था, कोसवा कटा और तुरंत सबों का बुखार उतर गया। ये मजदूर का जात भी ना माओ समझे ना मार्कस, बस एक ही भाषा समझे, मार का भाषा, साला जूता का भाषा। माफ कर दीजिए। देख लीजिए, सब आपकी आंखों के सामने, अब खुद ही फैसला कर लीजिए कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का जिम्मेदार कौन है। बत्ती मारी गई थी हमारी मालिक, इसे वो नसरू का करने में किया। ये वही है मैतारी जोत, जो उस दिन काली लिख गया था मालिक का नाम पर। अब जिंदगी का डर सताने लगा तो कैसा गिड़ गया रहा है मालिक के पैर में। कैसे बच गया ये तेरे हाथ से? करुआ, इसी वक्त कौटल हो जाए हमारी नजरों से। अभी मुड़ भाग कहीं का। बिल्कुल सही हुआ सर, बहुत बड़ा न्यूसेंस था हराने। नहीं, जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर तो हाथ में नहीं लेना चाहिए। अरे बाप को मारने वाला,
सामने आ जाएगा तो बेटे का माथा फिरेगा ही ना। जो देखा उसको भूल जाइए कलेक्टर साहब। कोयलांचल में इसका कभी कोई जिक्र नहीं करेगा, यह हमारा वायदा है आपसे। Feeling better? Yeah. Come. Sit. Mm. Sit. Anything bothering you, sweetheart? Actually, yes. तुम दोनों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। Why? Fear of love and loathing in Eastern India? It's worse than that. This place is unbelievable. आज मेरी आंखों के सामने एक आदमी को इतना ब्रूटली मर्डर किया गया। प्रशासन, पब्लिक, पुलिस बस तमाशा देखते रहे। मैं तो समझ में नहीं आता किसे सुधारना, कहां से शुरुआत किया जाए, किससे शुरुआत किया जाए और किसके खिलाफ किया जाए और उसके लिए क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार रहा जाए। डर गए हैं आप? तुम्हें डर नहीं लगता? औरत जब एक बार लेबर रूम से जिंदा वापस आ जाती है डरना भूल जाती है। लेबर रूम का खौफ और दर्द एक बात तो सिखाई देता है, जिंदगी में नई उम्मीद चाहिए तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। अरे ये निमेश जग गया, मैं आती हूँ। हटो हटो। आई बेटा, आ रही हूँ। खान भराई के केस में आपका और भूषण का कत्ल के केस में करुआ का नाम जप का हिदायत आया है ऊपर से। तो FIR तो लिखना पड़ेगा। तो लिख दो, पहले 422 थी अब 423 हो जाएगी। मालिक अरेस्ट दिखाना पड़ेगा। किसको? सपना देख रहे हो क्या खड़े खड़े? मालिक करुआ के केस में कलेक्टर साहब खुद आई विटनेस थे। उल्टी कर दिए थे ना कलेक्टर साहब ने कांटा घर में। लगता है पतलून में हगवा दें तभी समझेंगे करुआ क्या चीज है। जाइए, ये मटरवा हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। जो भी कहें उसे बड़े ध्यान से सुनो और समझो। सॉरी, वो मिश्रा मिल गया था। आपको एक पैग और लेने का बहाना मिल गया था। एब्सोल्युटली राइट, आज मूड पूरा टाइट होने का। एंड हम लोग यहाँ आखिरी बार आ रहे हैं खाना खाने। इतना बेस्वाद खाना है, मैं कल ही अपना किचन रेडी करती हूँ। एंड यू कीप एटलीस्ट 2 hours फॉर मी। यस मैम, यस मैम। मैं ग्रोसरी शॉपिंग खुद करूंगी कल। ओके, चले। ये क्या, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद ड्रंकन ड्राइविंग करेंगे? चलिए आप इधर आइए, हम ड्राइव करते हैं। सुपर्ब, नो प्रॉब्लम। न्यू शोफर, ड्राइवर कम वाइफ। एक्सक्यूज मी सर, लॉगबुक पर साइन रह गया आपका। नहीं, मैं आता हूँ, मैं एक बार लॉगबुक साइन करके आता हूँ। गिव मी अ मिनट। यस
भागना नहीं है, डराना है उसे, बस अपना मौत नजर आ जाए करीब से। ध्यान से करना बचुआ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी। गाड़ी का रोको, मिथुन कोई फोन करो, एम्बुलेंस को फोन करो। हे मिथुन, हे हे कोई डॉक्टर को फोन करो प्लीज, एम्बुलेंस को फोन करो प्लीज। हे मिथुन प्लीज कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। प्रणाम। अरे करुआ बच्चा, तू ठीक तो है ना? ठीक हूं मालिक। बचुआ ये सब क्या हो गया, इतना समझाने के बाद भी? जो आपने कहा अरे हमने कहा था कि कलेक्टर को मारो। हम ना ही मारे मालिक। मगर उसकी बीवी इतनी जख्मी कैसे हो गई? उसका गलती है। करुआ मेरे लाल, कैसे बताएं किस मुसीबत में डाल दिया हमको। सुनो, अब रानीगंज में बिल्कुल शांति से रहिएगा। जी मालिक। चाहे हमें कोई गाली दे या हमारी फोटो पे मुंह दे, तुम बिल्कुल खामोश रहना। अब की बार कोई आए ना तुम्हारी खबर तो खुद हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। करुआ, करुआ, ये आवाज कैसी? कलेक्टर का बचवा अगवा गाड़ी से। कलेक्टर का बचवा? तुम कहाँ हो? जंगल में। बालक कितना बड़ा है? ना ही मालूम। सुनो, बच्चे को वहीं नहीं छोड़ देना मरने के लिए। जी मालिक। सुना है बड़ी देर से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद बच्चा हुआ कलेक्टर के। बचवा को संभाल के रखना, समझे? जी मालिक। और ये तेरा फरमा है ना, उसे फेंक दे, वहीं कहीं फेंक दे, बाकी बताते हैं समय आने पर। जी मालिक। Chop!
मार दो का हम इधर हम है शंभू मालिक संदेशा भेजे हैं तो बालक मरना नहीं चाहिए मर गया मर गया मैं मर गया अब पूरा इल्जाम हमरे ऊपर ना आएगा मैसेज पहुंचाने में देर कर दिया और बकवाल कहे रात भर से 20 चक्कर मारे हैं पटवा गुड़गुड़ाने लगा था चला गया था हगने 2 मिनट खेत में उतने में तुम कांड कर दिए अब हमारी क्या गलती है इसमें कोई बताओ हमारी कोई गलती है कहाँ है वो जिंदा है तुम्हारी ठिठोली के चक्कर में हमको दस्त लग गया अब इसको संभालो हम जा रहे हैं मालिक को बोल देंगे मैसेज डिलीवर्ड हम जा रहे हैं हमारा परिसर बंद है फिर से इसमें पानी आए 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 ले तो मरेगा कल भेज की सुनेगा तो मरेगा कल अरे तू करेगा दूसरा भरेगा कल फ्रेंड्स के लिए ये ठीक रहेगा व्हाट इज दिस स्केच क्या करूं मैं इसका इसे तो यहां हर कोई पहचानता एवरी डैम कॉप इन एवरी डैम पुलिस स्टेशन लेकिन करेगा कुछ नहीं क्योंकि जान के अनजान बनने में उन्हें फायदा है सर हम किसी गली के मामूली गुंडे की तलाश में नहीं है कोयलांचल में पिछले 150 साल से जो आतंक फैला हुआ उसकी जड़ तक पहुंचने की मुहिम है ये ऑल दिस इज बुलशिट ब्लडी स्केच सर आपकी अपनी ही फोर्स में कितने ऑफिसर्स आपके साथ है ये आप जान जाएंगे ना तो कांपने लगेंगे सेंटर से टीम आ रही है निशिल अब ये केस वो ही हैंडल करेंगे अपनी मौत का डर और अपने परिजनों की असुरक्षा ये वो हदें हैं जिन्हें कोई भी करप्शन लांग नहीं सकता लेकिन इस बार वो लोग यहां से इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते
What about my son? The hunt is on, Nishit. Don't worry. They will not harm him. His safety is the only way out for them. It's an extremely volatile situation, Nishit. We have to deal with it smartly. Whatever be the outcome of this, Nishit, it will seal the fate of democracy in this region forever. इस क्रांति की शुरुआत प्रजातंत्र के जड़ पर नहीं बल्कि सर पर हमला होने से ही हो सकती थी। अफसोस, अफसोस कि वो सर तुम्हारा हुआ। से चिकनी मछरिया तो एक भी ना है इस रानीगंज के पानी में। तड़पते रहते हैं अकेले में। पर हमने तुमको कुछ नहीं कहा। हाथ पीछे रख। फालतू बात करना अपनी लुगाई से। नहीं चाहिए तेरी मच्छी बच्ची। क्या हुआ? अरे टेंगरा मछली तो लेती जाओ। छाती झगड़ गई है इसका जमीन पर लेटे लेटे। बालक है ऐसे नहीं मेरा राजा बच्चा। इसको जो करने के लिए लाया है वो कर, पर हमको दोबारा मत बुलाना इसके लिए। तेरी निगाह में रंडी सही पर औरत भी है और माँ भी। कोशिश करके भी तेरे जैसा काट का दिल नहीं कर सकते। इसको मार काट गला दबा जो तेरा मालिक बोले वो कर, पर हमको दूर रख इससे। इतनी मेहरबानी कर, पैर पड़ते तेरे। साली ये सरयो भांजी का बेटा है? जी वो विदेश में रहते हैं। और कितना बच्चा है सरयो भांजी का? 4 लाख। पूरा कोयला अंचल का मालिक अपना औलाद समझते हैं। चलिए मालिक आपको गौशाला में बुलाए। बस 2 मिनट। हमारे बचवा के पैर में चोट लग गया है। राम जाने कैसे। शाबाश बेटे शाबाश। बस 2 मिनट 2 मिनट। तो आप सबको दिल्ली से भेजे हैं? जी, क्योंकि यहाँ का प्रशासन तो आपका गोद में है। आपके
घायल बछड़े की तरह। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन देखिए हम कैसे संभालते हैं अपने बच्चों को। सुना है बहुत सारा बच्चा है आपके पास संभालने को, एक हमें दे दीजिए, जस्ट वन। खरुआ आप सब आई भी से। वैसे भी आपका ये मिस्टर साधो सिंह ऐसे ही इधर आपका इलाके में आने को नहीं देता, इसलिए स्पेशल परमिशन लेकर आया मैं दिल्ली से। तलाशी लेने आया है हमरे घर का? ना 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 ना, हमको मालूम है वो इधर नहीं है। किधर है वो भी पता कर लेंगे। ईश्वर आपकी मदद करे। पण्णे नीनो अंद कडवळ वेंडिक तुम भी वो घाट को प्रे करो, क्योंकि जिस पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए निकला मेरा हाथ, कहीं तुम तक न पहुंच जाए। इस बार सिचुएशन वेरी सीरियस। दिल्ली से ऑर्डर उसी को टॉलरेट करना जो कोऑपरेट करे। सो तुम्हारा खरुआ नाम का कुत्ता को ये भी आपके स्पेशल स्क्वाड का मेंबर है। पत्रकार कब से इंटेलिजेंस ब्यूरो का ड्यूटी करने लगे हैं साहब? खुफिया कैमरा, क्या इसका भी मेंशन है आपके स्पेशल परमिशन के कागज में? जाइए जाइए और बनाइए हम पर केस, ऑन ड्यूटी अफसर पर हाथ उठाने का। फिर हम आपको समझाते हैं कि अतिक्रमण यानी कि टेरेस पासिंग क्या होता है। साधो वाले मिस्टर सरयू भांजी थप्पड़ के लिए। बहुत आराम की नींद सोई थी ब्यूरोक्रेसी यहां, जिसकी गोद में सोई उसी के हाथ जागी। आई लाइक इट, बहुत अच्छा। कैमरा बुझ गया है साहब, अब कोई जरूरत नहीं है ये सब ड्रामा और डायलॉग का। खाकी पहन कर निकले होंगे घर से, तिरंगे में लपट कर पार्सल कर दिए जाएंगे। ये कोयले की नगरी है साहब, कालिक के सिवाय और कुछ यहां से ले जाने की उम्मीद भी मत रखना। I'm so sorry, निशित, मुझसे गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया। क्या है कि दिल्ली में बैठा बॉसेस को रियलाइज कराना था कि कितना बड़ा दुश्मन से डील कर रहा है हम लोग। पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये जंग जीतना बहुत मुश्किल। यार, तुझे यहां कोई जंग जीतने के लिए या जंग का ऐलान करने के लिए नहीं भेजा गया। यह फॉर माई सन, मेरे बच्चे के किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए तुझे दिल्ली से यहां भेजा गया है।
बहुत अच्छा निशिल, बहुत अच्छा लगा। सो नाउ इट इज ऑल अबाउट योर सन ना, तुम्हारा बेटे के लिए। उन लोगों का क्या जिनको गाजर मूली की तरह काट दिया गया, जिंदा जला दिया गया, बम से उड़ा दिया गया, जस्ट फॉर योर सन? यस इट इज आल्सो अबाउट माय सन, डैम इट, इट इज आल्सो अबाउट माय सन। क्योंकि जो काट रहा है, जला रहा है, उड़ा रहा है, उसी के पास मेरा बच्चा है। यू ब्लडी फूल, बाप है वो हम सबका। जिस जमीन पे तू खड़ा है ना, वो भी उसी का है। अय्यर, मीडिया स्टार बनने का बहुत शौक है ना तुझे, तुझे और भी मौके मिलेंगे। प्लीज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय सन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दैट इनोसेंट चाइल्ड, प्लीज। इसके पापा से इसका नाम पूछ। मैं नहीं पूछूंगी। पूछना डरपोकी। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? काका इसका नाम। मैं नहीं, वो पूछ रही थी। पूछ, मैं इसका नाम शाहरुख रख दूं? शाहरुख के जैसे ही गोरा गोरा है। मैं नहीं पूछती। जब पूछ ना डरपोकी। काका इसका नाम शाहरुख खान रख दे। शाहरुख खान रख दे इसका नाम। काका मैं नहीं, वो कह रही है। कह रहे है रख दो। ले 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 मेरे, खा लो मेरे शाहरुख खान, खा लो, ओ खा लो मेरे शाहरुख, मेरे करो
जिसका है उसको लौटा दे। कितने जान का हाल लेगा तो दिल भरेगा तेरा? हाँ, तेरे सर पे पाप चढ़ा के खुद संत महात्मा बने बैठे राजापुर के हरामी। कितने की है एक एक बंदूक, कुछ अंदाजा है? भाई का जिंदगी से बढ़कर नहीं है। भाई की जिंदगी या गरीब का हक? भाई तो तेरा एक ही झटका खा के चला गया गिड़गिड़ाने मालिक की शरण में। वो भूषण था, ये पूरन है। सकल एक रही, मगर जो फर्क है ना वो आप समझोगे तुम। शाबाश, ये हुई ना कॉमरेडों वाली बात। कॉमरेड के यह बात असल गरीब का, और ऐसा मत दिखाइए जैसा कोई एहसान कर रहे हैं हम पर। कोई साला बिना फायदा के गरीब का मदद नहीं करता, ऊपर वाला भी नहीं। बात बस इतना सा है कि तुम्हारे पास कुछ है हमसे पाने को, इसलिए साला ये सब खर्चा उठा रहे हो, और हमारे पास कुछ है नहीं खोने को, इसलिए लड़ेंगे। इसको देखा है कहीं? उस मुस्कुराए वाले आदमी को? नहीं बाबू, भगवान कसम नहीं। ठीक है। टॉफी खा लिया?
शाहरुख जाओ। शाहरुख खान के लिए मैं टॉफी लाई थी। शाहरुख टॉफी खाएगा? देख देख कह रहा है खाऊंगा। ए सारू करुआ बचुआ मरना नहीं चाहिए, समझे? क्या है? चल खाए वो बचुआ। हम नहीं खाएंगे। चल मेरे संग। उसको जो करवाए है ये सब पाप तुमसे, जलादन की जात। मार मार आपको, हम नहीं जाएंगे। भूतों को जिंदगी से मुक्ति दिया ना तो करो, उनको भी दे दे। आ मार मार के निकाल ले चिरा के बिरा। आ मार आपको, मरता क्यों नहीं? मार अम्मा से मिलाते करो। बदरिया रुतना ही जाने मनवा कपाखी मन की ही माने प्रेम बदरिया रुतना ही जाने पाखी मन की माने प्रेम बदरे।
अच्छा क्या कह रही थी तू? कुछ नहीं बाबू, कह रहे थे हमारी लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट बनाई दो जल्दी से तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाप का नाम क्या डालूं? अपना डाल दो, उसके जन्म से पहले से तो मिल रहे हैं हमसे। क्या बोली? कुछ नहीं, मजाक कर रहे थे। अपनी औकात में रह के मजाक क्या कर, समझी? और ये पकड़ अपने दाम, काम जब होने का होगा हो जाएगा। शैतान, बोल पापा, बोल पापा, पापा बोल, इधला 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 दे, पापा बोल, बोल पापा, पापा 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 बोल पापा, बोल पापा, पापा, नहीं 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 बोलेगा, बोल पापा, बोल पापा, मम्मा मम्मा, ते, शैतान, पापा पापा पापा, मम्मा मम्मा नहीं। ओए गुंडे इधर आ। Yeah, are you? Nishitya, I need to set up a meeting as soon as possible, please. Let's all face the fact and accept that we've been complete failures when it comes to Saryubhan Singh. So far, we've been able to achieve nothing. Saryubhan Singh har kanun se upar hai. Is myth ko destroy karna bahut zaruri hai. 40 years in this business and not arrested even once. ऐसे आदमी को लोग इस इलाके का बाप ना समझें तो क्या समझें? A bloody criminal, a third rate bloody criminal. I studied every case of his inside out. कहीं भी वो directly कभी नहीं involved है. मसलन आप mind filling scam को ले लीजिए, महावीर शेखर पर वारंट निकल सकता है, लेकिन कंपनी के डॉक्यूमेंट के हिसाब से मालिक विनय कनौजिया है, उसका ड्राइवर. हम अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन विनय कनौजिया को, सेम ब्लडी प्रॉब्लम In every damn case. इस केस में अगर उसे अरेस्ट कर भी लिया जाए तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर बेल पर बाहर आ जाएगा. उसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं. Excuse me, sir. इतने छोटा सा रीजन में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बहाल किया जाए, इस पर बात करने के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हम सब एक क्लब के पूल रूम में सीक्रेटली मिलकर बात कर रहे हैं. इससे ज्यादा सिचुएशन और क्या खराब हो सकती है? शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डालना पड़ेगा. सिर्फ एक बार सर, सिर्फ एक बार वो हरामजादा सरयूबान सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाकर पुलिस वैन में बिठाकर पूरा राजापुर घुमाना है सड़क में. आई चैलेंज सर, एक एक गूंगा तोता भी बोलेगा. पर ये सब तुम लोग करोगे कैसे? शाम तक इंतजार कीजिए, कोर्ट को बंद होने दीजिए, कल और परसों छुट्टी है, उसके बाद संडे. इन 3 दिनों में हमें कोयलांचल की हिस्ट्री बदलनी है.
जरूरत हम करेंगे, मदद करेगी गौ माता। ये सब क्या हो रहा है साधु? क्या चल रहा है ये सब? हमारे सबर की परीक्षा। कलेक्टर साहब, क्या तकलीफ है आपको? ये तकलीफ हमें नहीं, इन बेजुबा बेचारे पशुओं को है। हम इन्हें रेस्क्यू करने आए। क्या? हमारी गायों ने आपके पास हमारे खिलाफ क्या FIR दर्ज कराया है? जी नहीं, एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट की कंप्लेंट पर ये कार्रवाई हो रही है। मिस्टर आयर को तो आप पहचानते ही होंगे। आयर, कम कम कम। सीनियर ब्यूरोक्रेट मिस्टर कनन आयर। बहुत खराब कंडीशन में रखा है आपने अपना जानवर लोगों को। इतना छोटा सा गौशाला में इतना सारा जानवर, बैठने का, खड़े होने का, सांस लेने का कोई जगह नहीं। देखिए कैसे घायल रहता है ये आपका जानवर, और खाने पीने का प्रबंध भी बहुत खराब। और आपको मालूम, ये दवाई आपका गौशाला से मिला, WHO में बैंड है ये दवाई। ये कौन सा लड़बकाओ कानून सिखा रहे हैं हमका? इस लड़बकाओ कानून का नाम है Prevention of Cruelty Against Animal Act 1960। आप जिन्हें जानवर कह रहे हैं ना, वो हमें हमारी औलाद जैसे प्यारे हैं। और फिर कितना दिन दूर ले जाइएगा हमसे, हमारी औलाद को? कम से कम 3 दिन तो लगेंगे सर युवान जी, लेकिन कोई टेंशन नहीं, उसके बाद कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करवा दीजिएगा। 2,000-3,000 का जुर्माना होगा, उसके बाद में आपकी औलादे भी फ्री और आप भी। हम भी? मतलब? मतलब पशु प्रतारण प्रतिरोधक एक्ट 1960 के तहत हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। खोर, अपने बाप को हत्या नहीं बनाएगा। अरे तेरी जिंदगी लान में ना मिला दी ना तो कहना कुत्ता पोस लेना हमारे नाम का कुत्ता। जानते नहीं हो कितना भयानक कदम उठा रहे हो तू लोग। आग लग जाएगी, आग लग जाएगी राजापुर में। Thank you.
प्लीज नो कमेंट। आप अपनी गिरफ्तारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि सरयू खान को गिरफ्तार करके हटिए बगल हटिए लांचर से जुर्म मिट जाएगा? सर सरयू खान के पास नो कमेंट प्लीज। तो प्लीज हेल्प। आपको क्या लगता है कि आपकी गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? हालांकि पुलिस और प्रशासन सरयू भान सिंह जी की गिरफ्तारी पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, जानकार लोग सरयू भान सिंह जी की गिरफ्तारी को कोयलांचल के कोयला माफिया के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का नतीजा मान रहे हैं। ये सब गलत सलत समाचार प्रसारित कर रहे हो। हमारे मालिक के साथ साथ इन लोगों ने हमारी गैया को भी गिरफ्तार किया है। गैया? तो बताओ गैया का माफिया से क्या संबंध है? अरे तो हमारी गौशाला छोटी है, उसकी ने अरेस्ट किया है। आपको आपको क्या लगता है, क्या गैया के केस में सरयू भान सिंह को अरेस्ट किया गया है? तुम इधर ही रुकना। अरे साधु जी, माइनर केस है, थाने से ही बेल हो जाएगी। आप जरा एसपी साहब से तो बात कीजिए। अरे बात तो तब करे संतोष जब वो ससुरा हमरा फोन उठाए। सालों ने लगा दिया होगा किसी फालतू काम में उसको। अरे सुनो, साहब से कहो साधो जी आए हैं। साहब छुट्टी पर हैं, सोमवार को आएंगे। छुट्टी पर है? अरे सुबह तो ड्यूटी पर था, बात किया हमसे। बड़े साहब हैं, कब आते हैं क्या करते हैं मालूम नहीं। साहब खानी खाइएगा। अरे हट, फोनवा दीजिए, हमारा फोनवा तो उठा नहीं रहा साला। अरे का करे, जल्दी कीजिए ना। ये लो। हेलो। अरे सिन्हा, हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे हो भाई? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अरे तुम्हारे बाप बोल रहे हैं, साधु सिंह। कौन साधु? कौन साधु? क्या हुआ? हमारा फोन काट दिया। परेशान मत होइए सर, आपको ऑर्डिनरी सेल में नहीं रखा जाएगा, आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया हमने। और फिर आपको टॉर्चर करने का भी कोई इरादा नहीं है हमारा। आइए सर। या देयर शुड बी नो फिजिकल टॉर्चर। यस। आइए बैठिए। आयर पानी नहीं पिलाओगे? लीजिए पानी। सॉरी। और एक बात, मालिक के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं पता चलना चाहिए, खासकर करवा भैया। अरे करवा भैया, ए चलो लोग, चलो पहुंचो माता, चलो 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 चलो। अरे जा रहे नमस्ते। ए बंगा भाग। कहो भैया। नमस्ते भैया। सब ठीक तो है? कोई कुछ खबर दिया, मतलब उल्टी सीधी? बहुत टाइम से आ गए आप, तुम तो जाने वाले थे कुलियारी, वो तनख्वाह उनका बढ़ती है ना, तो हमारा रहना वहाँ बहुत जरूरी था। मजूर उजूर से वसूली नहीं हो तो आप साल को जानते हो, मजूर उजूर का जात साल एक नंबर का मातर। क्या हुआ? अरे भैया मालिक भी ठीक है, कुशल मंगल, आप भी कुशल मंगल, हम भी कुशल मंगल, सब कुशल मंगल। आइए। इतनी नीच हरकत करोगे,
ये उम्मीद नहीं थी। एक छोटे बच्चे को अगवा करने से भी नीच हरकत। फोन लाइए। ये फोन हमें लेने दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग अनावश्यक उत्तेजित हों। इसमें आप ही की भलाई है। हाँ बोलो शंभू। प्रणाम। मना किया था ना फोन करने के लिए। मालिक दर्शन चाहिए। संभव नहीं। का आदेश मालिक? अपना ख्याल रखो। इसमें तुम्हारी और हमारी भी भलाई है। फोन लाइए। शुक्रिया। काका हम शाहरुख खान को नहला दिए। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। काका तुम इसको टट्टी धोना नहीं सिखाए? अभी ये छोटा है ना इसीलिए। काका इसकी अम्मा कहाँ है? काका तुम तो बोलते ही नहीं हो। शहर में। शहर में हमारे पापा भी रहते हैं। तुम उनको देखे शहर में? जी ना झूठ बोल दिया। इसके पापा मर गए कभी के। क्या बोल रही है कान में? मैं तो पूछ रही थी स्कूल वाला गाना सिखा दो शाहरुख खान को। काका कह रहे सिखा दो। मछली जलती रानी है जीवन। चलते मेरी पापा की कविता सुनेगा है ना शाहरुख खान? मेरे दुश्मन ने ये सोचा ही नहीं था शायद ये दिए बड़े फना से भी भड़क सकता है। बड़े फना से भी भड़क सकता है। उसे कुवत हमारे पापा हमारे लिए नई फिरोक लाएंगे आज। मेरी पापा भी लाएंगे। चल झूठी मुझे पता है वो नहीं आएंगे। उनको गुंडा मार दिया है। विद्रोही को मारकर तुम्हारा मालिक विद्रोह को दबा नहीं सकता। मेरे पापा आएंगे। चल झूठी मुझे पता है वो नहीं आएंगे। उनको गुंडा मार दिया है। मेरे पापा शराब पी के सब भूल जाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे तेरे लिए। मेरे पापा भूलते नहीं है। श्रमिकों की आवाज दबाई जा सकती है मारी नहीं। विद्रोही को मारकर तुम्हारा मालिक विद्रोह को दबा नहीं सकता। विद्रोही को मारकर तुम्हारा मालिक विद्रोह को दबा नहीं सकता। तेरे पापा सरीला तेरे कुछ नहीं लाएगा। ये झूठी है। मेरे पापा फिर लाएंगे। काका तुम मेरे पापा को बोल के आ फिर लाने को। उनका नाम है मैकू भुइया। 200 रुपए मेरे नाम के आगे लिख लीजिए। 200? चल 500 निकाल। 500? करे परेशानी है। दे रहे हैं दे रहे हैं। ये लो 500 रुपया रसीद दे दो। आ गया तेरा लव लेटर। मेरा भी शायद ऑन द वे है। ये सभी बहन जी की वेल पेपर्स है ना? जी सर। अच्छा हे निशित गुड टू सी यू बड़ी। तेरा इंतजार कर रहा था।
सॉरी यार, बिना फॉर्मेलिटीज पूरी किए तेरा ऑफिस यूज करना शुरू कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू वोंट माइंड इट ना। ए, कौन सा फॉर्मेलिटी? कैसा फॉर्मेलिटी? एक बार ऊपर से आदेश आ गया है ना कि तू कलेक्टर, मतलब तू कलेक्टर पास। एक मिनट साधु जी, एक मिनट। यार निशीत, आई जस्ट गॉट दिस ऑर्डर अ फ्यू आवर्स बैक कि जाइए, जाकर चार्ज टेक ओवर कीजिए इमीडिएटली। और तुम्हारा, हाँ तुम्हारा वो, ये तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स, कहा कि पर्सनली हैंड ओवर करो। यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन समटाइम्स। नो नो शर्मा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दीज थिंग्स हैपन। I don't understand why these things happen sometimes. Ek honest officer ke saath, this happens all the time. Hamesha, kisi khemka ko apne 20 saal ke career mein 40 baar transfer kiya jata hai. Kisi durga shakti ko, bina wajah bataye, aap log suspend kar dete. Why? Supreme Court aapko baar baar सिविल सर्विसेज एक्ट लाने के लिए बोलता है लेकिन आप लोग सुनते नहीं। अफसरों के लिए मिनिमम टेन्योर फिक्स करने के लिए बोलता है लेकिन आप लोग सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी अंधी हुकुम फरमानी करनी है। दादागिरी करनी है तो खुलेआम करो ना। हमारे कर्तव्य, हमारी निष्ठा, हमारी जिंदगी को दांव पर लगा के क्यों करते हैं आप लोग? मुझे क्लियरली इन राइटिंग में ऑर्डर दिया गया था कि उस रीजन में जाइए, नॉर्मल सी बहाल कीजिए, न्यूसेंस एलिमेंट से डील कीजिए, जरूरत पड़े तो उन्हें एलिमिनेट कीजिए। तो वही तो मैं कर रहा हूं। Then why suddenly am I a nuisance? I'm sorry, Sharma. I do not understand. And I don't want to understand now, period. देखा कैसा फड़फड़ा रही है मछलियां? निकाल के पानी से बाहर जो फेंका, हमरे मालिक पे हाथ डाले की जरूरत किए थे, ऐसी जगह ले जाके मारेंगे कि ये तो। साधु जी प्लीज, प्लीज साधु जी प्लीज। निशीत, डोंट मेक इट पर्सनल यार। क्या बकवास कर रहा है तू शर्मा? इस जंग में मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी जिंदगी, मेरा करियर, मेरी फैमिली, यहां तक कि मेरा बच्चा। एंड यू आर सेइंग डोंट मेक दिस पर्सनल? हैव यू फकिंग लॉस्ट इट? बच्चा आ जाएगा निशीत, ही विल कम। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा कलीग हूं। तुम ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, it's always about the normalcy between their relationship over here and those in power there. It's always about those in power there and those in power over here. That bond is solid. That bond is not broken. Nothing is broken, so you don't need to fix it. I care a fuck about their fucking bond with these criminals. I care a fuck about their sick attitude towards us. Their fucking greed, their fucking indifferences, their fucking double standards. तुम लोगों ने क्या फका फक फका फक क्या लगाया तुम लोग? हाँ शर्मा, इधर कोई नया साजिश का मतलब जान लेना बस। होश में रह के होशियारी करना। अरे कोई होशियारी नहीं कर रहे साधु जी। फिर हिंदी में बात करना, हिंदी में, राष्ट्रभाषा में, ताकि हम भी कुछ समझे ना। हम निशीत को समझा रहे थे कि इनके यहाँ से जाने से इनका बच्चा इनको मिल सकता है, प्रशासन इनकी। अरे भाड़ में गया इसका बच्चा। उधर हमारा मालिक 48 घंटा से यातना झेल रहा है। ए, ये आंखें हमको मत दिखाना, अब दो पैसे का वैल्यू नहीं रह गया तुम्हारा। पकड़ अपनी लुगाई का हाथ और निकल यहाँ से। क्या सर, आप यहाँ के कलेक्टर हैं और आपके सर? ए वकील, यहाँ का कलेक्टर मैं हूँ। ना ही मैंने इसके ऑर्डर्स रिसीव किए हैं और ना ही अपना चार्ज इसको दिया है। ये मेरा ऑफिस है जो उस कैंप की फाइल से भरा हुआ है जिसके प्राइम अक्यूज्ड मुख्य आरोपी आपके क्लाइंट है। इस तरह से आर्म्ड इंट्रूशन का मतलब समझता है ना तू? शर्मा समझा दे इसे, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर व्हाट पावर्स आई हैव टू सेफगार्ड माय स्फीयर ऑफ ड्यूटी, या फिर मैं समझाऊं? समझ गए, समझ गए। चलिए साधु जी, यहाँ से निकल जाने में ही समझदारी है। चलिए 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 साधु जी, चलिए। ये कलेक्टर हुआ पगला गया है। चलिए चलिए। सर टेक्निकली स्पीकिंग तो
मैं इंडेफिनिट लीव पर हूं, ना मैं किसी का चार्ज ले सकता हूं और ना किसी के ट्रांसफर ऑर्डर दे सकता हूं। बाकी जिसको जो कार्रवाई करनी हो करे। शर्मा, होप नॉट टू सी यू। माउत आई थी साले सरयूभान की, ले गई इसे। मतलब ये कि अगर आज वो साले सरयूभान को यहां से ले जाते तो शायद आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होती। इंफॉर्मेशन ये भी है कि ट्राइबल डिसिडेंट्स इनके मालिक सरयूभान सिंह के अंपायर पर आज अटैक करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को कब मिली? कल। और आयर, तुम मुझे आज बता रहे? आई नो, सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। सिस्टम को अलर्ट करने के बजाय चुप रहना अच्छा है। ये बात तुमसे बेहतर और कौन अच्छा समझ सकता? वो लोग नहीं समझेंगे आयर, जो इस वायलेंस में अपने मासूम अपनों को खोएंगे। ये सब तुम्हारे बेटे के लिए किया। नहीं तो तुमसे पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? किधर है निमिष? बोल दूंगा कि निमिष मर गया। अरे ये बोलना आसान है बजाय इसके कि अपने बेटे को बचाने के लिए मैंने कानून को मार दिया। सबको सूचित किया जाता है कि राजापुर के नया मोड़ पुलिस चौकी पर माओवादियों का हमला हुआ है। पूरे जिले में माओवादियों का हमला। सर, पुलिस नया मोड़ चौकी पर पहुंचे। लीजिए साहब, इनके लीडर से भी सरेंडर करवा दिया। द बैटल इज वन एट लास्ट। कमांडो, ये बैटल कौन जीता कौन हारा उससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों तरफ हमारे ही लोग मरे हैं, करीब हिंदुस्तानी। फिर क्या कीजिएगा इस विक्ट्री का? एक दिन इस क्षेत्र में पूरन संथाली के गाना गाएंगे लोग, समझे? वैसे भी तुम्हारे काम आसान किए हों। समझाइए साला इनको हमारा वैल्यू। साला जानवर की तरह घसीटा हमको, कब से कह रहे हैं हम। I think we need him at the press con. Hmm.
मालिक ने कहा था तुमसे ये सब छुपाने के लिए। तुम मालिक का इज्जत हो, नाक हो उनकी, उनका आखिरी उम्मीद। तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहते थे वो। अपनी इज्जत के लिए जिया है मालिक जिंदगी भर, यहां तक कि अपने बेटा के लाश को पहचानने से इनकार कर दिया था, ये बताने के लिए कि सरयू भान सिंह के पुत्र का कोई कत्ल नहीं कर सकता। अरे आज तक क्रियाकर्म तक नहीं किया उसका। बोलना पड़ता है कि छोटा मालिक बाहर है विदेश में, तो करे। मालिक का इज्जत का सवाल है। 40 बरस तक संभाले हैं हम इस इज्जत को, 40 बरस तक। वक्त बदल रहा है, बहुत बहुत हाई ले है मालिक अपने सर पर, सब असर दिखेगा ना। अगर मालिक जिंदा रहा तो जीते जी मर जाए। इस शान से मालिक जिया है ना, उसी शान से मालिक को भेज दे, मुक्ति दे दे उसे, मुक्ति दे दे। अगर तेरे हाथ से मरेगा ना तो मालिक अमर हो जाएगा। इसे रहने दे, एक करवा दूसरे को मारे ये शोभा नहीं देता। इन लोगों के साथ हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते सिवाय मौत के। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, फिर भी खिलौना बना हुआ उस कमीने के हाथ में अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। क्या मैसेज पहुंचेगा पब्लिक तक? डू यू थिंक आई एम बीइंग सेल्फिश? पिछला 24 घंटे में 113 जवान का डेथ हुआ। हम भी बाल बच्चा वाला आदमी, एक आम इंसान की तरह। ये मैसेज जाना चाहिए लोगों तक, नहीं तो हमको भगवान समझेंगे या शैतान। तुम जितना ताकतवर उतना हम ताकतवर, जितना तुम मजबूर उतना हम मजबूर। बात को समझो, साथ तो हमारा। ये मैसेज जाना चाहिए लोगों तक। क्यों बुलाया इसने? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि यहां उसका पीछा कोई नहीं कर सकता। यहां दौड़ना तो दूर, सीधा चलना भी खतरनाक है। यही नहीं हरामजादों का बनाया हुआ नर्क है, जहां सिर्फ ये लोग ही पनप सकते हैं। Where is he? Hello. मालिक को लाए हो सम? हाँ, भेजो। ठीक है, मेरा बेटा तो ठीक है ना? सरयू भान जी को बुला लीजिए सर।
क्या ये सरयुबान जी, मेरा बच्चा उसके पास है, उसकी जिंदगी अगर बख्श देंगे तो बड़ा एहसान होगा। मौत के इतने सारे चेहरे दिखा दिए आपने, 7 जन्मों पे भारी है, एक चेहरा जिंदगी का भी दिखा दीजिए तो जन्म कट जाएगा। ये हाथ पहले दिन ही छोड़ लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती है। आपकी मूर्खता ने पूरे क्षेत्र को असुरक्षित कर दिया। कलेक्टर साहब, आपने उसके बाप को अपमानित किया है। ये कोयले की जात है, एक ही कानून समझता है, जल जाओ या जला जाओ। इसलिए यहां सब कोयले को पूछते हैं। उसको मनाना आसान नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। गई ना? अरे ऐसे क्यों रो रहा है? हाँ? अरे हमें कुछ नहीं हुआ। अरे थोड़ा उठा पटक तो होता रहता है। लेकिन तू यहां क्यों आया? तुझे पता नहीं कितना खतरनाक जमीन है ये, और हमें भी बुला लिया यहां। ये करो, तू बचुआ को लेके यहां से निकल जा। कैन यू सी द चाइल्ड? वहां वहां जमीन पे रखा हुआ। God knows what they're up to। अपना जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे जाना होगा करुआ, तू है ना इन सब की नजर में आ गया है। हम है ना, हम इनकी सफाई का इंतजाम करेंगे। नहीं मालिक, इस जमीन से बोलो हम कल लील जाए हज। करुआ का कह रहा तू? विनती करते हैं मालिक, हम किसी भगवान को नहीं जानते आपके सिवा। आपके कहने से हमारा दिन रात होता है, आपका आज्ञा से हमारी सांस चलती है। हमारे संसार का पालनहार आप ही हो। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगते हैं। कोयलांचल को दीजिए आदेश कि हम दोनों को लील जाए आज। करुआ? हां मालिक, दीजिए आदेश। बच्चा ये क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हमारे पाप का फल अगर आपके खाते में जाए तो हमारे पुण्य का प्रताप भी आपको ही मिले। एक बात हमारी समझ में आई है मालिक, हमने आपका ये लोग सुधारने में पर लोग बहुत बिगाड़ दिया। हम अपना गलती सुधारना चाहते हैं मालिक, हमारी मदद कीजिए, कोयलांचल को मुक्त कीजिए। कोयलांचल को बोलिए कि हमें लील ले। बोलिए मालिक, दीजिए आदेश कोयलांचल को कि हमें लील ले। बोलिए मालिक, हमारी मदद कीजिए, कोयलांचल को मुक्त कीजिए। बोलिए मालिक, दीजिए आदेश कोयलांचल को, दीजिए आदेश कोयलांचल को। बोलिए मालिक, दीजिए आदेश कोयलांचल को, लील ले कोयलांचल, लील ले, लीले कोयलांचल।
बच्चा, फिर मेरा बच्चा, मुक्ति ना हमें वहाँ, लीला वे, मुक्ति ना हमें, मुक्ति ना वहाँ, लीला वे, मुक्ति ना वहाँ, मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा उधर है, लीला वे, मुक्ति ना वहाँ, मुक्ति ना मेरा बच्चा उधर है, मेरा बच्चा, छोड़ो, छोड़ो, निमेष, निन्ना में, निन्ना, मुक्ति दो मेरे बाप, निन्ना में। औरत आई थी थोड़ी देर पहले, संभालिए अपनी अमानत। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कहाँ मिला है आपको? किसने दिया आपको देने के लिए? इसे तो एक राक्षस ले गया था और एक देवता ने लौटाई दिया। देवता ने? हमारा पति। आज ही शादी हुई है आपकी? जी, और आज ही पिता हो गए। अब है कौन? इस बच्चों को अपना दूध पिला है, बस दूसरी माँ समझ लीजिए, और उस देवता के लिए भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। तकलीफ के लिए वीर है कैसे समझ न आए अखियन में आस।
चले भी चल भी न पाए प्रेम बदरिया रुतना ही जाने मनवा कपाखी मन की माने प्रेम बदरिया ओ रे पिया का नाम कालिदास पिता का नाम मालिक धर्म मालिक पता मालिक की कोठी राजापुर बाकी मैं भर लूंगा साइन करो शादी मुबारक हो हमारी बेटी का बाप देख लो बाबू साहब अब तो बर्थ सर्टिफिकेट बना दोगे ना तेरे लिए मेरे दुश्मन ने ये सोचा ही नहीं था शायद ये दिया बादे फना से भी भड़क सकता है उसको कुव्वत पे तकब्बुर है मुझको यकीन दस्ते हक बाजुए कातिल को झटक सकता है आस जगी है फिर नैन में खुशियां लौटी मन आंगन में तेले मालिक तोहरे साथ रहे तो कोई हरामी तोहरा कुछ ना बिगाड़ सके भेद ये मनवा समझ न पाए कब क्या खोए चल आ गया मेरा वक्त कब क्या पाए मैंने अपना वादा निभा दिया तू अपना मत भूलना क्या तू बोली थी मालिक को दुआ देगी जिंदगी भर ए तू ज्यादा मत रो ए ससुर शुरू हो गया तो रुकने वाला नहीं बड़ा तेज गला है इसका ना ही जाने मनवा
मन की हिमा